यूपी सरकार के एक फैसले के बाद से हमीरपुर के अधिकारी और कर्मचारी चूहों और छछुंदरों को पकड़ने में जुट गए हैं और अब तक सैकड़ों चूहों को पकड़कर कैद भी किया जा चुका है। दरअसल संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कृषि निदेशक ने आदेश जारी करके पूरे प्रदेश में 1 मार्च से 31 मार्च तक खेतों और घरों में रहने वाले चूहों और छछुंदरों को पकड़कर खेत की फसलों को नुकसान से बचाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद जिले में कृषि विभाग के 50 अधिकारी और कर्मचारी चूहों को पकड़ने में जुटे हुए हैं। शासन द्वारा जन संचारी रोग योजना है, जिसके तहत जो किसान को बहुत आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं खेतों से लेके हमारे घरों तक, उनके नियंत्रण के लिए एक संचारी योजना के तहत हम लोग हमारे 46 कर्मचारी और 6 सेक्टर में SMS जो हमारे हैं वो सारे कर्मचारी इसको नियंत्रण के लिए 1 तारीख से अभियान एक प्रारंभ कर दिया गया है और सैकड़ों चूहे जो कि इस किसानों के लिए बहुत आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं उनको हम लोग पकड़ करके और उनको ऐसी जगह पर छुड़वाएंगे जहां बंजर ज़मीन है और ऐसे जहां कृषि योग्य कार्य नहीं होते हैं और जैसे जंगलों में, जिससे कि उनका उनको लाभदायी होंगे जो भी। अभी तक सैकड़ों चूहे पकड़कर हम लोग उसको उनको जंगलों में या बंजर भूमि में ऐसी जगह पर छोड़ने का कार्य कर रहे हैं जहां खेती का कार्य नहीं किया जाता है। अब इससे चूँकि संदेह चूँकि खेतों से लेके अनाज जो पैदा होता है, क्योंकि कटाई का सीजन प्रारंभ हो रहा है और फसलें पक रही हैं, तो इसमें जो अभी से ही अगर इनको नियंत्रण कर लेंगे तो निश्चय उनके द्वारा जो क्षति होती है वो कम होगी और उनको किसानों को आर्थिक लाभ बढ़ेगा। वहीं इस आदेश के बाद अब विपक्ष के नेता इसको धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने जो ये फरमान दिया है कि अधिकारियों को जाकर के गांव-गांव जाकर के चूहे पकड़ें जो किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं, तो इससे पहले ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार से इससे पहले भी एक बार एक मुख्यमंत्री जी का ही प्रोग्राम था, उस पर PWD और कई विभागों के इंजीनियर्स को सांड रोकने के लिए रस्सा पकड़ा करके रोडों के किनारे खड़ा कर दिया गया था ताकि वो बीच रोड पे ना आ पाएँ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गणेश जो ये चूहा है ये गणेश जी की सवारी है हिंदू धर्म के हिसाब से, और मैं भी एक हिंदू हूँ, तो अगर चूहों को इस तरीके से पकड़ने की और ये स्थिति देखी जा रही है, जैसे कि गाय को अगर देवी माता मानते हैं तो चूहा भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का प्रतीक है, और उसको अगर एक योगी जी ऐसा आदेश दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक विडंबना है और योगी जी को खुद समझना चाहिए। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको तत्काल इस आदेश को वापस लेना चाहिए। ऐसा देखकर तो लगता है कि अब सरकारी अफसर चूहों को न सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि उन पर कार्यवाही भी करेंगे। योगी सरकार के एक अनोखे आदेश के बाद अब सूबे के अधिकारी और कर्मचारी चूहों और छछुंदरों को पकड़ने के अभियान में जुट गए हैं। चूहों से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है और संचारी रोग फैलता है। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है जिसके तहत कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब खेतों में और घरों में घूम रहे चूहे और छछुंदरों की तलाश में जुट गए हैं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी के साथ यूपी तक